शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। 23 सितंबर 2024 दिनकर जी की 116वीं जयंती के उपलक्ष में मैं रश्मि रथी खंड काव्य का ये अंश आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये प्रसंग तब का है जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लाए गए संधि प्रस्ताव को ठुकरा देता है। उसके बाद भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं और युद्ध की चेतावनी देते हैं। उसके बाद जब भगवान सभा से बाहर आते हैं तो उन्हें मार्ग में कर्ण मिल जाता है। भगवान इस बात को भली भांति जानते हैं कि कर्ण के बल पर ही दुर्योधन ने इतने बड़े महाभारत युद्ध को ठाना है, इसलिए भगवान कर्ण को अपने खेमे में मिलाने के लिए उसे लालच देते हैं। भगवान जब सभा से बाहर जाते हैं वहीं से ये कविता शुरू होती है। दिनकर जी ने लिखा कि भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सपुचाया सा, आमिला चकित भरमाया सा। हरि ने बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, उसे चाहिए रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे। सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निरसन विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने। भगवान जब सारी भूमिकाएं बना लेते हैं उसके बाद मुख्य बात कर्ण से कहते हैं सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। क्या अघटनीय घटना कराल, तू पृथा कुक्षिका प्रथम लाल। भगवान यहाँ पर बताते हैं कर्ण को कि तू ही कुंती का पहला बेटा है, तू पृथा कुक्षिका प्रथम लाल, बंसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, सर चाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे, हैं जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मड़ी को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी।
रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़ा सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। भगवान कह रहे हैं बस एक भीख मुझको दे दे, कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी सोक सके। इसके बाद कर्ण भगवान को जो जवाब देता है, वो जवाब कर्ण को महान बनाता है। राजा रंक से बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके, कर्तव्य क्या क्या न किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है, सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा।